संभोग से भी बड़ा आनंद कहां मिल सकता है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। आज योग दिन है, सभी लोग आज योगासन कर रहे, योग कर रहे हैं और योग दिन जो है वो मना रहे। हमने आज टीवी के ऊपर सब तरह के लोगों को, आमदार खासदार मंत्री पंत प्रधान, सबको योग करते हुए देखा। योगी लोग जो रहते हैं ना, वो तो कोई संभोग करते नहीं है, मगर उनको संभोग से भी ज्यादा आनंद मिलता है। तो वो कैसा होता है कि आप जब योग करते हैं और योग के साथ साथ काफी सारी बातें जिंदगी में, जीवन में होती है, वो यदि आप करते हैं तो आपको संभोग से भी बड़ा आनंद मिल सकता है। और वो कैसे, देखिए हमारे ब्रेन में डोपामिन सिक्रीशन होता है, सेरोटोनिन सिक्रीशन होता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होता है, ये सब हार्मोन एक्साइटेटरी है, एक्साइटमेंट कॉज करते हैं। योग में क्या होता है, योग, योगा, मेडिटेशन, हर तरह की एक्सरसाइज, उसके साथ साथ आप कुछ लोगों को चाय लेते तो बड़ा मजा आता है, कुछ लोगों को कॉफी लेके मजा आता है, कोई लोगों को शराब लेके, सिगरेट पी के, तंबाकू खा के, नस सूंघा के, सेक्स में, कोई लोगों को खाने में, कोई लोगों को शॉपिंग करने में, कोई लोगों को गपशप करने में, ऐसे अलग अलग जगह पे लोगों को मजा आते रहता है। और मजा आता मतलब क्या है कि जब वो ये करते हैं उनको मजा आता है, तो संभोग के समय जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वही हार्मोन उनको उस समय सिक्रीट होते हैं जिस समय वो ये काम करते हैं, जैसा कि डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, काफी सारे हार्मोन्स होंगे और जिनका अभी विज्ञान को ज्ञान नहीं है कि वो भी सिक्रीट करते हैं, तो उनसे भी एक्साइटमेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, फील गुड हार्मोन से मजा आता है और एक संभोग का सुख मिल सकता है। योगी लोग कभी संभोग नहीं करते थे, मगर उनको संभोग का सुख मिलता था क्योंकि वो योग निद्रा करते थे, योग करते थे, और योग में वो मेडिटेशन करते करते इतना मेडिटेशन और इतना योग करते थे कि उनका सिक्रीशंस हो रहे डोपामिन के, सेरोटोनिन के अंदर, ब्रेन के अंदर, उतना एक्साइटमेंट, उतना आनंद उनको योग में मिल रहा है, संभोग की क्या जरूरत है। तो संभोग से भी आनंद मिलाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, या कोई भी चीज आप जो जो करते हैं उसमें जहां जहां मजा आता है तो वो चीज हम बार बार कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कि भाई ड्रिंक ले रहे तो इसलिए ड्रिंक नहीं करने का है, मतलब अल्कोहल नहीं पीते बैठना कि उसमें अच्छा लगता है, या तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट लेते हैं, या सेक्स करते हैं, तो ये बातें हम छोड़ देते हैं, मगर जैसा एक्सरसाइज करते हैं बहुत मजा आता है। कोई गार्डन में जाके सवेरे सवेरे गार्डनिंग करता है, एज ए गार्डनर काम करता है, कोई निसर्ग में जाता है, एनवायरमेंट में घूमने जाता है, पशु पक्षियों के साथ में घूमता फिरता, उसको बहुत आनंद आता है। कोई लोग संगीत सुनते हैं, खुद गाना गाते हैं, उनको बहुत मजा आता है। तो आपको ये देखना है कि आपको मजा कहाँ आता है, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन कहाँ है, जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है और आप वो करते हैं, समझ जाना कि आपका अपने भेजे के जो सिक्रीशन है बहुत जबरदस्त हो रहे, वो आप करेंगे तो जबरदस्त सिक्रीशन हो, मतलब आपको कोई चीज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है बाहर कि मुझे वो मिला तो मजा आएगा, ये मिला तो मजा आएगा। लोगों को पैसा मिला तो बहुत मजा आता है, पैसे से जो चीजें खरीदते हैं वो खरीदने में लोगों को मजा आता है। तो बाहरी चीजों में मजा आने के बदले मैं अंदर ही अंदर ऐसा क्या करूं कि संभोग में जो सिक्रीशन होते हैं या आनंद में, अत्युच्च आनंद में जो सिक्रीशन ब्रेन में होते हैं वो सिक्रीशन में पैदा करो, तो वो हमको सीखना है, ताकि बाकी बाहरी चीजों में आनंद लाना जरूरी नहीं है। खुश रहने के लिए, मजा करने के लिए कुछ कारण लगता है? बिल्कुल नहीं, लोगों को कारण लगता है कि खुश होना है तो कोई कारण, तो खुश होने के लिए कोई कारण लगता नहीं, बिना कारण के भी आप खुश हो सकते हैं और वो खुशी आप अपने अंदर ही अंदर ब्रेन में तैयार कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, ताकि लोग बाहरी चीजों के ऊपर, मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर डिपेंड न रहते हुए अंदर ही अंदर खुशियां पैदा करेंगे और मजा करेंगे, जीवन में आनंद लाएंगे। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ये है। ये वीडियो शेयर करके आप भी हमारे पार्टनर बन जाइए, हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप ऑनलाइन सवाल जवाब कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो वहाँ उपलब्ध है, आप हमें ऑनलाइन कॉल्स कर सकते हैं और आपके सवाल जवाब आपको वहाँ मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।